उत्तराखंड के नैनीताल जिले की तहसील धारी तथा अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली व सरस्वती शिशु मंदिर धानाचूली में मनाया गया धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील धारी के अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज तथा सरस्वती शिशु मंदिर धानाचूली व धारी में धूमधाम के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें कि तहसील धारी में SDM KN गोस्वामी द्वारा झंडारोहण किया गया। वहीं SDM और तहसीलदार डॉक्टर ललित मोहन तिवारी तथा पूरे तहसील स्टाफ के दर्जनों वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। वहीं SDM व तहसीलदार के साथ सभी ने अपने अपने विचार रखे। दिवस के उपलक्ष्य में हमने झंडारोहण भी किया और वृक्षारोपण भी किया है, काफ़ी वृक्ष भी लगाए हैं। सर, आज हम जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो है इस पर काफ़ी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने काफ़ी जो है मेहनत की थी, उनके परिणाम स्वरूप ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और दो शब्द सर्वप्रथम इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने परगना क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को, समस्त गणमान्य जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से बहुत अनंत कुर्बानियों के बाद ये पावन दिवस हमें मिला है, तो निश्चित रूप से जो पौधरोपण, जो स्वतंत्रता का पौधा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा बोया गया था, उसको किस तरीके से हम पुष्प पल्लवित करें, कैसे उसकी गुड़ाई निराई करके उसको सशक्त पौधे के तौर पर, सशक्त वृक्ष के तौर पर हम उसको बढ़ाएं, यही हमारा कर्तव्य है। और अंत में उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समस्त जिनके बलबूते हम इस सुरक्षा के वातावरण में जी पा रहे हैं, समस्त उन बहादुर फौजी जवानों, समस्त कृषकों जिनके अन्नदाताओं और समस्त वैज्ञानिकों जो राष्ट्र की उन्नति के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत सत्सा नमन करते हुए मैं समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और ये पावन स्वर्णिम दिवस बार बार आए और इसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग इसको मनाते रहें और हमारा राष्ट्र भारतवर्ष एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर, जो उसकी प्राचीन उपलब्धि है विश्व गुरु की, वो उस दिशा में हम सब लोग रात दिन मेहनत करें और निश्चित रूप से भारत अपना वो गौरव हासिल कर रहा है और सशक्त होगा, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको बता दें कि अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली में BO अंशुल बिष्ट द्वारा झंडारोहण किया गया, साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम तथा योग कर सभी लोगों का मन मोह लिया। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य में मैं आज अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में आज उपस्थित हूं और आप हैं अंशुल बिष्ट जी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और कोई भी सर के पास में कोई भी समस्या ले जाओ तो उसका निदान आपको मिल जाता है और हर जगह सर की जो भागीदारी है वो रहती है। और सर, इसी क्रम में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़े बलिदान दिए हैं और आज जो हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो इतना आसान तो नहीं था, परंतु पीछे की जो मेहनत होती है, जो हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है, उसके वजह से ही हम आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आज जो 78वें स्वतंत्रता दिवस हमारा है, इसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को सबसे पहले तो शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। निस्संदेह 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन, अपना समय, अपना परिवार, अपनी संपत्ति देश पर बलिदान कर दी है, तो उन सभी के अथक प्रयासों से आज हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है। और हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें और उनके सपनों का भारत का निर्माण करें। आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम इस परिसर में हुआ है, बच्चों ने किया है, जो आगे की हमारी पीढ़ियां हैं जिन्होंने आगे का देश का नेतृत्व करना है, तो सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चों के द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, इस पर हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की, बहुत
इनको मोटिवेट किया और ये बच्चे हमारे बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश कर रहे थे। लेकिन हमें अभी भी बच्चों को स्वतंत्रता तो हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें अभी भी एक और स्वतंत्रता लेनी है जो हमें आज संकल्प करना चाहिए। जैसे पॉलीथीन है, नशा है, ये आज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हो रहा है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ कि नशा और पॉलीथीन अगर इस भारतवर्ष से हम समाप्त कर दें तो हमारी ये दूसरी स्वतंत्रता होगी। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे सभी बच्चों के द्वारा भी इस कार्यक्रम को सराहा गया और हमारे एक बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मंच को आज हमारे धानाचुली में लाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर धानाचुली में भी स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी धूमधाम से बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और एकता और अखंडता का संदेश दिया। वहीं आप देख रहे थे खबर वेद प्रकाश आर्य की UK 24x7 के लिए नैनीताल से। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में है? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 hours GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।